हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है, ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर और अन्य पदों हेतु प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं EESB पर। आप देख सकते फ्रेंड्स, आज मैंने जैसे ही अपना प्रवेश पत्र देखा, मेरा पेपर है 16 जुलाई को। फ्रेंड्स आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरा नाम है, रोल नंबर है और हमारा आवेदन नंबर है और हमारा एग्जाम सेंटर है ना, वो सीधी है, यहाँ सीधी आप मध्य प्रदेश देख सकते हैं, कमला मेमोरियल कॉलेज में। और एग्जाम डेट 16/7/2023। परंतु दोस्तों क्या हुआ है, मेरे इस प्रवेश पत्र में एक गलती मेंशन हो गई है। मैंने अपने प्रोफाइल में कुछ गलतियां कर ली थी। यहाँ आप देख रहे हैं शारीरिक स्थायी पहचान चिन्ह की जगह पर मैंने अपने लैंडमार्क, मतलब जो मैं मेरा घर है, मैंने वहाँ का एड्रेस डाल दिया, PS स्कूल के पास। तो फ्रेंड्स मेरी ये गलती हो गई है और यदि आप भी ऐसे ही गलतियां दोहरा रहे हैं और आपकी प्रोफाइल आप एक बार जरूर चेक कर लें कि आपने तो ऐसा नहीं किया। तो फ्रेंड्स मुझे एक समस्या है कि मुझे एग्जाम सेंटर में बैठने दिया जाएगा कि नहीं। मेरा घर रहली में है जो कि सागर जिले में आता है और यहाँ से सीधी 350 किलोमीटर दूर है। यदि आप सोचिए मैं यहाँ से 350 किलोमीटर दूर जाता हूँ और मुझे एग्जाम देने नहीं दिया जाता है, तो फ्रेंड्स आप ही अंदाजा लगाइए कि मेरे ऊपर क्या भी थी। 4 महीने से मैंने कोई तैयारी भी नहीं की है, मेरी कोई पढ़ाई भी नहीं है इतनी ज्यादा, मतलब मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की है, मैंने सारा कुछ त्याग दिया है ना। मैं गवर्नमेंट जॉब चाहता हूँ, फिर भी सोच रहा हूँ क्या करूँ, एग्जाम देने जाऊँ, ये गलती है, वहाँ बैठने दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि आपने भी ऐसे ही कुछ एग्जाम दिया है और कोई गलती मेंशन थी और एडजस्टमेंट हो गई, तो आप हमें कमेंट्स में बताएं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है ज्यादा, तो आप जरूर बताएं और जाऊं या ना जाऊं इसके बारे में भी बताएं। और फ्रेंड्स मैं अपने चैनल पर मेरा एक्सपीरियंस साझा करता रहता हूँ, यदि आपके लिए कुछ हेल्पफुल होता है तो आप हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताया करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।